सिविलाइज लोग, मतलब भाई हम कानपुर से हैं। वैसे यानी यूपी वाले थोड़ा शोर मचाओ यार, तो यूपी वाले यहाँ पे कानपुर वाले ही हैं आप। तो भाई हमारे यहाँ क्या है ना यार, लोग मतलब बहुत ही सभ्य हैं और वो ना भाई किसी से ना ऊंची आवाज में बात नहीं करते, और इनफैक्ट ऊंची आवाज तो छोड़ दो, मतलब बात ही नहीं करते कई बार। तुमसे आके कुछ पूछोगे तो ऐसे स्टार्ट करेंगे, अभी बात इसी में हो जाती है, और बहुत इंसिस्ट करोगे तो आदमी कहेगा अब बताओ क्या क्या पूछ रहे थे। बहुत ही मतलब सिविलाइज लोग है। तो जब मैं इधर पे आया ना, मतलब आया मैं अहमदाबाद, जब मैं आया मैंने देखा भाई साहब क्या कैंपस है, लाली लाल लाली लाल, एकदम होमली फीलिंग। हमने कहा वहां जुबा केसरिया, यहाँ पे माहौल केसरिया। काफी मतलब खुशी हुई। तो मैंने कहा कि यार चलो सोचते हैं कि यहाँ तक साला पहुंचे कैसे, तो लाइक गोइंग बैक टू कानपुर अगेन अपने स्कूल डेज पे। तो भाई मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई है ऑल बॉय स्कूल से। एनी ऑल बॉय स्कूल वाले थोड़ा शोर मचाओ। कोई नहीं आने वाला यहाँ पे भाई, ये जितने भी ऑल बॉयज वाले शोर में जा रहे थे ना, इनको देख लो, ये जो स्कूल में जब होते हैं ना ऑल बॉयज में, भाई ये इंसान नहीं होते, जानवर होते हैं, जानवर। तो ये जानवर ना बोल सकते हैं, और ये बोलते भी किसी अच्छी चीज के लिए नहीं है, ये बोलेंगे तुम्हारी इज्जत उतारने के लिए। सुबह सुबह घर वाले मतलब एकदम बढ़िया सजा दजा के लड़के को स्कूल भेजते हैं, और वहां पहुंचते ही लोग कहेंगे हाँ भाई आ गया गोबर जैसी शकल लेके। मतलब ये लोग तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर देते हैं ना बॉय स्कूल में कि तुमको मतलब बेइज्जती फील ही होना बंद हो जाता है। मतलब बाहर तुम ऐसे निकलते हो दुनिया में और तुम्हारी कोई मतलब तुम्हें कोई गाली बक दिया कुछ बोल दिया ना, तो उसको रोक के बोलना पड़ता है रुको भाई थोड़ा और कोशिश करो भी हुआ नहीं। और इतनी बुरी हालत हो गई है भाई कि आज भी अगर मेरी बीवी आके मुझसे कहती ना जरा आंख बंद करो एक सरप्राइज देना है, तो एक हाथ से ही आंख बंद करता हूँ, एक हाथ नीचे जाता है बचाने के लिए। खैर कैसे भी मतलब आदमी फिर भाई जहाँ पे डाला जाता है वहाँ सेटल हो जाता है, तो चलो कैसे भी करके सेटल डाउन हुए, आदत आदत डाली। तो माँ बाप ने कहा कि भाई बहुत ये बहुत ना चैन में दिख रहा लड़का, इसका स्कूल बदल देते हैं। आके ऑल बॉय स्कूल से मुझे डाल दिया कोएड में। अब भाई जब मैं कोएड में आया तो मुझे यहाँ पे एक नए टाइप के विचित्र प्राणी मिले, इन्हें बोलते हैं स्टब बिलोंडे। अपने आप में ही ऑक्सीमोरोन है, मतलब समझ रहे हैं सिविलाइज्ड लड़के ये, मतलब ये अपने आप में ही ऑक्सीमोरोन। अब मतलब यहाँ सेटल डाउन होना एक अलग चैलेंज यार, जैसा भी है मतलब। और यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम क्या आता था, वहां तो लड़के गाली देते थे, वो अब तो आदत हो गई थी, यहाँ पहुंचे तो लड़कियां धीरे से बोल देती हैं हट स्टूपिड। भाई साहब गाली से ज्यादा इतनी चुभती थी वो, क्या ही बताए। खैर जैसे भी भाई हम अपन वहां से मतलब चलो निकले, हुआ कि भाई ठीक है अब यहाँ पे आ गए तो सेटल डाउन तो होना ही है। सेटल डाउन हुए, नई जगह थी, फिर पेपर वेपर दिए, एग्जाम एग्जाम हुआ, नंबर नंबर आए, तो घर पहुंचे बहुत खुश भाई, नंबर आए 62%, बहुत खुश। 60% ज्यादा हमको आधी खुशी, 2% एक्स्ट्रा की थी। भाई जम के खुशी मना रहे, घर वाले भी खुश, अरे यार इसका तो कोई भरोसा नहीं था, पास हो गया बहुत खुश। बस खुशी बना रहे थे तो जैसा सारथी भाई ने बोला तुम साला खुशी बना ही रहते हो, होते ही हो, तभी साला एंट्री होती है एक पनौती की, दरवाजे पे खड़े होते हैं शर्मा जी और शर्मा जी का लड़का। शर्मा जी तुरंत लीजिए भाभी जी लड्डू लीजिए, साला काहे बात का लड्डू। पता चला उनके लड़के क्या है 92%। तो भाई बहुत मतलब साला खुशी मनाना चालू किए थे कि भाई यहाँ पे पनौती अटक गई। तो मेरी लाइफ में पहली बार ये मतलब सेंटेंस इंट्रोड्यूस हुआ, मम्मी बोली देखो शर्मा जी के लड़के को 92% नंबर लाया, तुम क्या कर रहे हो। हमने कहा यार इसका कुछ तो करना पड़ेगा, और साला पढ़ाई में मार्जिन इतना ज्यादा कि हम समझ गए भाई पढ़ाई में तो हम इससे कुछ नहीं कर सकते।
पता हमसे यही होगा ले लिए पार्टिसिपेट गए भाई थर्ड आए मिल गया ब्रॉन्ज पहुंचे ये बात दूसरी तीन ही लोग पार्ट लिए थे घर वालों को थोड़ा पता है भाई घर पे पहुंचे रंगबाजी मिले देखो मम्मी जीत के आए स्पोर्ट्स मीट में उतनी देर पहुंचे थे खुशी मना रहे मम्मी का अरे वाह बहुत सही लड़के लो एक केला और खाओ केला खा ही रहे तभी आवाज आती है अरे भाभी जी लीजिए लड्डू भाई हमने अरे आ गई सुनो भाई शर्मा अंकल लिए छे छे मेडल उनका लौंडा मतलब मेन इवेंट में गोल्ड मेडल लेके आ रहा है यार और उसमें भी इवेंट है पांच वो साला बगल वाले स्कूल में जाके एक इवेंट का लेके आया भाई हमने कहा ऐसे ओवर परफॉर्मर स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप लौंडे से हम नहीं कम्पीट कर सकते भाई अकेले तो नहीं हो सकता हमने कहा भाई इसके लिए कुछ करना पड़ेगा हमने बुलाया हमने कहा कि ये इस उत्पीड़न का शिकार अकेला मैं तो नहीं हो रहा हूँ इसके शिकार और भी लौंडे होंगे कॉलोनी के मैंने पकड़े लड़के मैंने कहा भाई शुक्ला मिश्रा तिवारी आओ एसोसिएशन बनाते एसोसिएशन एनएसए नॉन शर्मा एसोसिएशन और हमारा मोटो ना शर्माएंगे ना शर्माने देंगे और लॉन्डे टाइट हाँ यार मतलब बहुत परेशानी हो गई रोज सुनना पड़ता है कुछ करेंगे तो भाई हमने कहा कि मतलब सभी पढ़ाई में सबकी पट्टी पड़ी है और कुछ हो नहीं रहा है तो ये हुआ भी डांस कंपटीशन आ रहा है चार लॉन्डे साथ में पार्ट लेंगे तो भाई एक लॉन्डे को तो हरा ही देंगे इसमें तो जाना ही है अपने को ठीक है भाई पार्ट लिया मैशअप बना के ले गए भाई मैशअप एक नागिन डांस का और दूसरा लॉलीपॉप और जाके वहां नाचना लड़के चार लड़के स्टेज पे गाना बजाओ दे थपा तब नागिन डांस तो धर्मेंद्र वाला कमर हिलाया जो लॉलीपॉप पे नाचते हैं भाई आधी जनता ऐसे ही सीटी मार रही है और भाई हम लोग एकदम टाइट कि बस अब तो भाई जीत गए ये तो ले जाएंगे हम भाई वापस उतरे स्टेज से थोड़ी देर बाद देखा शर्मा जी का लड़का पार्ट लिया आया भाई मैं क्या करेगा अकेला लड़का है भाई उसने लगवाई माइकल जैक्सन की टूर और वो समर सॉल्ट मार रहा था गुलाटी मार रहा है इस भाई वो मतलब वहां पे मतलब मूनवॉक कर रहा है हमने कहा भाई ये तो मतलब बहुत ही डेंजर लड़का है ये सब देख के तो पहले ही पट गया हमको पता चले हाँ यहाँ भी कट गया भाई ठीक है वापस गए फिर बैठे कुछ करना पड़ेगा भाई तो लॉन्डन ने कहा कि एक काम करते हैं भाई उसका पढ़ाई बहुत तेज है अगर एक सब्जेक्ट में भी इसको पछाड़ दिए तो मजा आ जाएगा मिल के पढ़ते हैं तो हम लोग मिल के मतलब पेपर आ रहे थे हम लोग मिल के पढ़ने का मैथ की तैयारी करेंगे इसी सब्जेक्ट आ रहा है लेकिन डक के पढ़ेंगे बहुत पढ़े मैथ की हमने कहा मैथ पढ़ेंगे मैथ की कूप पेल के पढ़ाई की और उसके बाद पढ़ाई के बाद रिलैक्स हुआ तो हमने फर्रे बना ली भाई इससे फर्रे बोले तो चिट 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 बार बार गूगल करने लगता फर्रे क्या होता है फर्रे बना लिए हमने कहा यार पढ़ते तो कुछ हुआ नहीं लेके गए भाई फर्रे वर्रे पेपर में बैठे पेपर देने बैठे पेपर जैसे आया पेपर आ गया हिंदी का लौंडो की लग गई भाई पेपर पूछ रहा तो निर्मला की जिंदगी में परेशानियों का राज क्या हमने कहा हमारी जिंदगी की परेशानी का राज तो शर्मा जी का लड़का है इनकी काम नहीं मालूम उसमें भी एक हमारा तिवारी जी का लड़का वो बैठ के उसमें भी फर्रा निकाला कि शायद गलती से हिंदी के लिखे हुए होंगे कर लेता हूँ एक बार चेक कर लेता हूँ भाई वो टीचर देख ली पकड़ लिया उसको साले फर्रा लेके आओ चीटी कर रहे हो तो टीचर लिया फर्रा लीज देखिस वापस दे दिस कल अब तुम कर लो तुम करके दिखाओ तुम लो भाई इसमें भी लग गई जब इतना मतलब हो गया कि मतलब समझ में आ गया कि भाई ये मतलब ये हो नहीं सकता है तो हमने कहा कि भाई इसमें मतलब अब आदत डाल लेनी चाहिए लड्डू आते रहेंगे जाते रहेंगे और अब यार और मतलब ये मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी कि भाई माँ बाप का ना हमारे लड्डू खाकर शुगर बढ़ गया तो पता क्या बोलते हैं तुमने हमें मौका नहीं दिया नहीं तो आज जो शुगर है शर्मा जी की ज्यादा होती
और मुझे ये बताओ, ये साला बेगैरत टाइम लड्डू बेच कौन रहा है बे? कभी सुबह 7 बजे, रात के 10 बजे लड्डू बेच कौन रहा है? देखो लड्डू लेके आते हैं, और मतलब पता लगाया तो पता चला शुक्ला जी की दुकान से। हमने कहा बीबी साहब गाड़ी में बैठा है। खैर भाई, मतलब हमने कहा देखो इसमें ना, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, हो जाता है, मतलब लड़का है भाई एकदम बढ़िया, अब कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें ना अपनी गलती मानने उसको फायदा नहीं। तो हमने कहा गलती हमारी तो है नहीं इसमें, इसमें गलती हमारी मम्मी, मतलब अगर शर्मा जी का लड़का ही इतना सही था तो सारस्वतों में शादी काहे की, अपने जमाने में शर्मा जी के लड़के से। हमारी लाइफ भी सॉर्टेड रहती, हम भी साला पैदा ही होके स्टूडेंट ऑफ द ईयर होते, करण जौहर हम ही पे पिक्चर बनाता। मतलब हमने मान लिया कि भाई मतलब कुछ हो नहीं सकता, फिर हम मूव ऑन हो गए, ठीक है भाई पढ़ाई वढ़ाई किए हो गया, फिर फाइनली बहुत सालों के बाद भाई हमारा सिलेक्शन हो गया आईआईएम अहमदाबाद में। पूरी रंगबाजी में पहली टिकट कटता है कानपुर की, कि अब की तो भाई हम ही आग लगा देंगे, हम ही हम हैं, बाकी पानी कम है। पहुंचे एयरपोर्ट पे, पहुंचते फेसबुक पे स्टेटस भी डाल दिए कि भाई हम आ गए, गर्मी थोड़ा बढ़ने वाली। रंगबाजी में कोई कमी नहीं हुई, और भाई भगवान भी चुटकुला बनाने के लिए बैठा है, अगले ही दिन बारिश हो गई। साले विभीषण, ये साले फेसबुक पे कमेंट कर रहे हैं, हाँ भाई गर्मी बढ़ी कि नहीं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कब सोते रहते। घर पहुंचे भाई, बहुत ही खुश, घर वाले खुश, बढ़िया एकदम, लड्डू वड्डू खिलाए, बहुत खुश, हम भी खुश। हमने कहा भाई वाह वाह हुई, रंगबाजी चौड़ा करके सीना घूम रहे हैं। थोड़ी देर बाद लोग बाग आए कॉलोनी वाले, हमने कहा इज्जत बढ़ा ले, हाँ भाई आए में हो गया, हाँ आपके लड़के को गाइड कर देंगे, बहुत सही। धीरे से हमने कहा पूछे अपनी माता श्री से कि ये शर्मा जी के लड़के क्या हाल है आजकल, गए भाई। मम्मी अच्छा यार इस टॉपिक पे बड़ा सीरियस बात करनी थी, मम्मी हमसे बोली धीरे से, हमने साला अब क्या हो गया। यार देखो तुम्हारे शादी को 5 साल हो गए, तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में लगे हो, उधर शर्मा जी की शादी, शर्मा जी के लड़के की शादी लास्ट ईयर हुई थी, एक बच्चा भी हो गया उसको। देखा आदमी मतलब यहाँ खुशी बना ही नहीं सकता। बाद में पता लगा वो जो लड्डू खिलाया गया था वो शर्मा जी देखे गए। मतलब साला चैन से आदमी कुछ हो नहीं सकता। और अपनी छोड़ो यार, हम तो अब मान लिया हमारी तो क्या ही औकात है, वहाँ विराट कोहली की पट्टी पड़ी है, पीछे शर्मा जी लगे हुए हैं, जरा सा मतलब टूटे नहीं की कैप्टनसी गई। तो शर्मा जी की लड़की से ब्याह लिए हैं, नहीं तो चलो सबकी जानकारी थोड़ा जनरल नॉलेज चेक कर लेते हैं भाई, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, फेंक रहा साला, नहीं ऐसा नहीं है भाई। ये बताओ कि स्पेस में इंडियन पायलट कौन गया था? राकेश शर्मा। भाई इन शर्मा लोगों को धरती कम नहीं पड़ी थी, ये अब आसमान में भी लेंगे हमारे, कुछ भी नहीं छोड़ा, सवारी लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। थैंक यू गाइस, दैट वाज माय सेट।